इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले नाथद्वारा नगर के 120 फीट रोड पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के मेन गेट के पास जो ये पार्किंग स्थल की दीवार दिखाई दे रही है, ये सभी अतिक्रमण कर बनाए गए हैं, जिससे दो दिन पूर्व हुई कागजी बैठक में अध्यक्ष मनीष राठी और पालिका प्रशासन ने वैध बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करवाया है। एक तरफ तो आम आदमी अगर सरकारी भूमि पर गलती से भी एक दो फीट पर निर्माण कर ले तो उसे तोड़ने पालिका प्रशासन पूरे दल बल के साथ पहुंच जाता है, जबकि यहां 70,000 से अधिक वर्ग फीट की करोड़ों रुपए की जमीन पर पिछले 6 माह से ना सिर्फ निर्माण हुआ पड़ा है बल्कि अवैध रूप से यहाँ लोगों से पार्किंग का शुल्क भी वसूला जा रहा है। पालिका को इसे जमीन के निःशुल्क आवंटन की बजाय यहाँ से स्थायी आय के लिए पार्किंग बनानी चाहिए, यह कहना है पालिका के सत्ता पार्षद प्रमोद गुजर का। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 75,000 स्क्वायर फीट जमीन इंक्रोचमेंट मान कर मिराज का ऑलरेडी रिटेनिंग वॉल बनी हुई है, मेन गेट में राइट साइड में तो पार्किंग कर रहा है, मिराज पार्किंग कर रहा है, तो इंक्रोचमेंट पे ऑलरेडी आप 75,000 रेगुलेशन और देना है, काउंटर और करना चाहते हैं। एक तरफ फ्रंट साइड पर अक्षय पात्र की तरफ 8,000 से 12,000 स्क्वायर फीट जमीन, 8,000 से 12,000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन 10x20 की दुकान के लिए आप निश्चित कर रहे हो, उस के लिए उसके अगर ये 75,000 के आप देखो तो आप 10,000 से पकड़ो तो 75 करोड़ की जमीन होती है। राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपने 25 करोड़ में दी है 3 बीघा, और इसको आप पार्किंग के पर्पज से दे रहे हो तो DLC रेट से उसको पिक्चर क्लियर करना चाहिए। DLC रेट से आप 20 गुना ज़्यादा लेके दे रहे हो, 30 गुना ज़्यादा ले रहे हो, और आप इसके साथ में इसमें एक बिंदु और है कि 20 मीटर का कॉरिडोर त्रिनेत से कृष्णा सर्किट, तो 20 मीटर तो आप इस पार्किंग को कमर्शियल का प्रस्ताव ले रहे हो और कंट्रोवर्सी कर रहे हो इस पार्किंग के लिए और दे रहे हो। मेरा ये कहना है कि आज दिन तक 65 बीघा जमीन थीम पार्क हो, 54 बीघा पूर्व में गार्डन और शिव मूर्ति के दे चुके हैं, 54 बीघा हो तो 125 बीघा जमीन हो जाएगी। 75,000 जमीन जो अटैची लेना चाह रहे हैं और इंक्रोचमेंट कर रखा है, इस इंक्रोचमेंट को आप रेगुलेशन कर रहे हो। आम आदमी का भी जब कोई नगर पालिका की जमीन पर इंक्रोचमेंट है तो आपको DLC रेट में दे देना चाहिए, ये भी सस्ता है, इक्वल है आम आदमी के लिए। मेरा ये इस पर ऑर्जन, मैं ये चाहता हूँ कि 75,000 स्क्वायर फीट जमीन स्थायी इनकम के रख ली जाए, पूर्व में भी स्थायी इनकम जनरेट की जा सकती है, टिकट के मामले में 20% राशि रख सकते हैं, रेगुलर स्थायी इनकम मानी जाती है। नगर पालिका के पास आज उस एरिया के अलावा कोई क्रीम जगह नहीं, 75,000 स्क्वायर फीट जमीन को पार्किंग में स्वयं नगर पालिका डेवलप करें और इसको से MOU करें कि आपके परिसर की और नगर पालिका की पार्किंग रहेगी, सारा पैसा जनरेट होगा और रेगुलर जनरेट होगा, ये मेरा मानना। इसके पास में मार्केट 75,000 स्क्वायर फीट में शॉप वगैरह की दुकान बना ले नगर पालिका, 75,000 में से 20,000 में दुकानें बना ले, तो ये बहुत स्थिर इनकम मानता हूँ मैं, ये जनरेट होनी चाहिए। मैं इस सर्कुलर के खिलाफ हूँ, 75,000 स्क्वायर फीट जमीन साजिश से दी जा रही जो बेबुनियाद है, ये सही नहीं है। नगर पालिका का प्रतिनिधि करते हैं, जनता के आदमी हैं, जिस संस्था के हम प्रतिनिधि हैं उस संस्था के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आप ये आपके बीच में बोल रहा हूँ। सर आज जो ये एजेंडे को लेकर तो यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया, उसके बावजूद यहाँ पर मीटिंग नहीं हुई है और सत्ता पार्षद और विपक्ष के पार्षद यहाँ से चले गए हैं, तो ये जो सत्ता क्या इस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, क्या कहेंगे? विपक्ष करते हैं सत्ता में जो हम लोग हैं, हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कि हम इसमें इस एजेंडे के साथ नहीं है, और विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, वो उनका और इसकी लाइब्रेरी जवाब दे चेयरमैन साहब की और भी जो लाइब्रेरी आयुक्त साहब की, इनसे आप बढ़ते दे सकते हैं। मैं अपने स्थान पर ज्ञापन दिया है कि लाथुआ तालाब के अंदर मिराज मोहन मिराज रेजिडेंस का सारा सीवरेज का पानी, दूषित पानी इस तालाब में मिल रहा है, इसको रोकने के स्टाफ ने आया गया मेरे साथ दौड़ा भागे के रिजल्ट 0। मैंने पूरा इस ट्रीटमेंट का जो पानी है मिराज का, इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी मैं कॉपी दे रहा हूँ,
नेचुरल वाटर इस तालाब को रखना चाहते हैं, तो नेचुरल वाटर के लिए इतना न्यूसेंस कर रहे हैं, बड़ा न्यूसेंस है वाटर बॉडी के साथ में, उसको रोकने के लिए मुझे पसीने आ रहे हैं। तो 75,000 स्क्वायर फीट प्रमोद कुमार अपनी मंशा जाहिर कर दे, वो असंभव। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष मनीष राठी द्वारा 2 दिन पूर्व सर्कुलेशन मीटिंग के नाम पर पार्षदों के घर बैठे हस्ताक्षर करवाकर इस जगह को पार्किंग के लिए देने का प्रस्ताव पारित करवाया है। हालांकि पिछले 6 माह से अधिक समय से करीब 29 बीघा भूमि मीरा समूह को अनौपचारिक रूप से पालिका द्वारा सौंपी गई है और अब विभिन्न हिस्सों में इसके लिए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर जब उदयपुर न्यूज के प्रमोद जोशी ने मीरा समूह के प्रकाश पालीवाल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। 75,000 स्क्वायर फीट का जो अभी नगर पालिका ने प्रस्ताव भी लिया था, वापस के बाद कुछ लफड़ा भी हुआ था नगर पालिका में, उस संबंध में सर एक वर्जन चाहिए था सर। अच्छा, नहीं नहीं है रे, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार नगर पालिका ने बोर्ड में प्रस्ताव दे दिया है, सरकार के स्तर पे वो प्रक्रिया जारी है तो चल रहा है ना सर। वो उनका कहना है कि ये अवैध, प्रमोद गुजर का इस मामले में कहना है कि अवैध वसूली कर रहे हैं, जो बल्कि नगर पालिका की जमीन आवंटन भी नहीं हुई, अब इन्होंने लगाया और इस करीबन 6-8 महीने से किराया वसूल रहे हैं 75,000 जमीन का सर। नहीं नहीं, कोई किराया नहीं वसूल रहे हैं इसमें, तो हमने पैसा भी नगर पालिका में पैसा जमा कराया, 60 लाख रुपए अभी थे सर। अभी तक इनका कहना है कि जमीन पहले से ही इन्होंने कब्जा कर लिया सर, तो ये किस क्या माने सर आपने, बल्कि आपको आवंटन नहीं हुई उसके बाद ही आपने इस पर कब्जा कर लिया सर? औपचारिक रूप से तो आवंटन हो चुका है इसका, 2 बार नगर पालिका ने कह दिया, ऊपर गई फिर आवंटन होते होते 75,000 मीटर वो बाकी रख दी। ऐसा है प्रमोद जी, देखो अब आपको वर्जन दिया है, आप चलाना चाहो तो आपकी इच्छा, ठीक है जी। एक बात, दूसरी बात ये है कि भाई नगर पालिका में 60 लाख इसके लिए जमा कराए हैं, नगर पालिका बोर्ड ने 2 बार सहमति दे दी इसको पूरी जमीन देने को, अबाउट टू ये होने पे था, फिर ये आ गया कि हुआ नहीं था। सुनो तो सही यार, जी 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 बात तो सुन लो मेरी, हुआ नहीं है वो बात, ठीक है आप चला लो ना, मेरी बात तो सुन लो, ठीक बताए सर। तो अच्छा, ये जमीन इतनी अनइवन थी कि करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए, मान लो कल नहीं होता तो नगर पालिका फिर आएगा, तब हम ये करोड़ों रुपए की रिकवरी थोड़ी करेंगे क्या, आप समझ रहे हो बात जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ हम कोई बड़ा मतलब वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, या चल रहा है औपचारिक इसकी स्वीकृति है, विभागीय स्वीकृति यानी केवल ऑफिशियल स्वीकृति यानी औपचारिक तो स्वीकृति हो ही गई, नगर पालिका ने 2 बार अपने उसमें बोर्ड में प्रस्ताव पास कर दिया कि साहब पूरा दे दो पूरा दे दो, अभी भी अबाउट टू ये अपने होने पे ही है, ठीक है सर। मंत्रिमंडल से ही अब लास्ट फाइनल होना है कैबिनेट से। हाँ सर, इसमें मेरा एक सवाल था आपसे, आपकी एक बात मैंने सुन ली सर। हाँ। ये था कि ये अभी आपको अगर फाइनल नहीं हुआ उससे पहले आपने अतिक्रमण कर लिया सर, और उसकी आपने वसूली भी कर ली, और जी इस मामले में आप वसूली नहीं की भैया, अतिक्रमण किया है ठीक है। ये जमीन यहाँ पे इतनी अनइवन थी कि यहाँ करोड़ों रुपए लगा के इसको प्लेन किया, करोड़ों रुपए लगा के इस पे डामरीकरण, इस पे भराव किया, इसको प्लेन किया इस जमीन को, बाकी तो पूरा आपने पहले देखा हुआ है कितने छोटे 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 पहाड़ खड्डे ऐसा ही तो था ये, और क्या था जी। और इस जमीन को जो IDSMD स्कीम के तहत तो नगर पालिका ने उस समय जो खर्चा किया था वो 60 लाख रुपए जमा करा के, उससे नगर पालिका बोर्ड ने इस पे अपनी सहमति दे दी है 2 बार, तीसरी बार और दे दी है ठीक है। अब कैबिनेट में गया है, मंत्रिमंडलीय कमेटी से भी पास होके ऊपर गया है, तो औपचारिक तो ये हो ही चुका है मेरा कहने का मतलब, और यदि हमें नहीं मिलेगा तो नेचुरल है हमारा नहीं रहेगा, तो जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वो भी तो ऐसे ही जाएगा भाई जी। सर मेरा एक विपक्ष के पार्षद प्रमोद गुजर ने आप पर आरोप लगाया है कि मिराज ने 175,000 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जा किया था, इस संबंध में सर बात करना चाह रहे थे, मेन मुद्दा जो था सर। ऐसा कोई कब्जा नहीं किया है, पूरी जमीन के आवंटन के लिए लगा है जी, पूरी जमीन के आवंटन की फाइल लगी हुई है, अभी तक हुआ नहीं ना सर प्लीज। लास्ट में इम्पावर्ड कमेटी जो है, मंत्रिमंडलीय इम्पावर्ड कमेटी जो है, उसने ये कहा कि ये एक पट्टी छोड़ दी जाए, तो उसपे वापस नगर पालिका से चला गया कि साहब यदि पूरी दे देते हैं तो पालिका को कोई आपत्ति नहीं है ठीक है, और इसका जो भी गवर्नमेंट से आएगा उसकी पालना करेंगे ठीक है ना। हाँ सर, तो अभी हमने भी तो भाई वहाँ करोड़ों रुपए लगाए ही है ना, जी। वो जमीन
को डेवलप करने में, तो कोई बिजनेस हेतु नहीं है अपना, लोगों को सुविधा पहुंचाने का और कंट्रोल करने का ही हेतु है, और कोई हेतु नहीं है ना जी। सर एक सवाल और था सर मेरा, प्लीज एक सवाल जी सर, जब तक ये आवंटन नहीं हुआ उससे पहले ही अतिक्रमण कैसे हो गया सर उसको, कि आपने बाउंड्री वाल कर दिया? नहीं, नहीं, और आपने अभी तक लिया ये औपचारिक तो स्वीकृति ही थी, ये दो बार तीन बार जयपुर से फाइल आ गई, आनी नहीं थी बाकी कब का ही हो चुका होता है। ये सब तो अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल तो अब होगी सर, हुई नहीं है ना सर, वो तो कब की हो जाती ना, हमें तो लगा कि फाइल गई होके आ जाएगी तो हमने बनाया और इसमें इन्वेस्टमेंट किया, बाकी नहीं होता तो हम भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना यार, हमने भी तो इतना करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भैया जी, ये है सुमन भाई, ओके ना, ओके ठीक है दादा, आपके हिसाब से देख लेना और ये तो होके आ जाएगा ठीक है ना, ठीक है ना, और नहीं आएगा तो अपन खाली करेंगे, उसमें कोई बात नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट गया नहीं, पर सत्ता पार्टी सर इसका विरोध कर रही है, कि सोचने का विषय सर। अरे भाई वो तो है अभी किसी ने हाई कोर्ट में भी कोई पीआई लगा रखी है, कई चीजें चल रही है, आपको भी पता हमें भी पता है जी, जी हमको पता है, पर होगा तो ही करेंगे, नहीं होगा तो कैसे करेंगे भाई, है ना, अभी तो ठीक है, अपन ने इतना इन्वेस्टमेंट करके वहाँ एक कंट्रोल रखा हुआ है, अपने भी इतना इन्वेस्टमेंट किया है भाई वहाँ पे, ठीक है ठीक है ना, बाकी तो आपको पता कितना अनइवन थी जमीन, हाँ हाँ ठीक है वो सर बराबर है ना, तो वो अपने को ही लगता कि ये नहीं होने जैसा, तो नहीं तो नगर पालिका में पैसे जमा कराते हैं, इस पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना ठीक है, और औपचारिक स्वीकृति हमने मानी थी इसलिए हमने किया, कि भाई नगर पालिका से हो गया, यूडीएच से हो गया, मंत्रिमंडल की कमेटी से तक चला गया है, तो भाई काम करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने काम करना शुरू कर दिया। तो सुना आपने, मीरा समूह के प्रकाश पालीवाल ने करोड़ों की जमीन के कब्जे की बात को सिर से नकार दिया, उन्होंने कहा कि मीरा समूह ने उन्हें इसके लिए नगर पालिका में 60 लाख रुपए जमा करवाए हैं, नगर पालिका के अधिकारियों ने मीरा समूह को अनौपचारिक जमीन दे दी और आवंटन बाद में होना बताया। अब इस पूरे मामले पर नगरपालिका के अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है, अब देखना होगा कि इस मामले में अधिकारियों पर गाज गिरती है या मीरा समूह को नगरपालिका आवंटन करती है, लेकिन मीरा समूह ने कब्जा कर पार्किंग का शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन ओपन